tú difícil. मैं गुजारिश करूंगा आप अपने अपने माइक्स ले लें। कन्हैया जी, जो हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, वहां से अगर बात शुरू की जाए तो भाई, जो भी इस वक्त है, जो भी कानून है, ये यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि वो पहले समझें, पढ़ें, फिर उस पर कुछ रिएक्शन हो। और रिएक्शन ऐसा हिंसा वाला क्यों हो? एक तो ये है कि मेरे ख्याल से सवाल पहले सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए, लेकिन आजकल टीवी में सवाल पहले विपक्ष से ही पूछा जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और आपने ये कहा कि पहले विद्यार्थी पढ़ें, समझें, फिर किसी चीज़ का विरोध करें। ठीक बात है। मेरे ख्याल से इस देश के विद्यार्थी बचपन से, स्कूल से ही इस देश की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। और इस देश की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, वो ऐसे ही संविधान में नहीं लिख दिया गया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान के साथ, इस देश की सीमा के भीतर किसी भी इंसान के साथ कोई तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब एक ऐसा कानून बने जो देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सबका कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा करें। नहीं, आप रही बात प्रोटेस्ट हिंसा हो सकता की है। नहीं, हिंसा हाँ, हिंसा पे आ रहा हूँ। रही बात हिंसा की, सर मैं एक बात बताता हूँ, बकरी कभी भी भेड़िए के खिलाफ हिंसा नहीं कर सकती है। आप विद्यार्थी जो आए हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, बेचारों के ऊपर इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों का नाम लेकर के, विद्यार्थियों की आड़ में इस आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश कौन रच रहा है, इस बात को पता लगाने की जिम्मेवारी मैं समझता हूँ इस देश की सरकार की है। और उसकी तरफ से जो है, सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपने इस पूरे प्रोग्राम का आपने द्रोह काल लिखा है कि ये प्रोग्राम द्रोह काल है, तो जब मैंने सुना तो मेरे पहले मेरे दिमाग में एक लाइन आई, रामायण की लाइन है कि राम द्रोह राष्ट्र द्रोह एक है। जो भी लोग आज कर रहे हैं, आपने एक बहुत सही बात कही कि एक कानून बना है, कानून के हम उस एक्ट को पढ़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि देश के किसी भी व्यक्ति पर इस कानून का कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, गृहमंत्री जी ने लोकसभा के पटल पर कह दिया, इसके बाद भी ये द्रोह चल रहा है। वही तो मैं नहीं, मैं इस पर आ रहा हूं। नहीं, मेरी पूरी बात सुनने। देखिए, ये एक्ट है, ये सुप्रीम, देखिए हम डेमोक्रेसी में हैं। हम दो तरीके से कानून बनाने की एक प्रक्रिया है हमारे यहां, कोई इस्लामिक स्टेट है नहीं कि जो शरिया में लिख देंगे वो कानून है। हमारे यहाँ एक तरीका है, हम जाते हैं लोकसभा में, फिर जाते हैं राज्यसभा में, फिर बात होती है और प्रेसिडेंट उसको एसेंट प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसको हटाने के केवल दो तरीके हैं, रोड पर, ट्रेन में, सरकारी, हमारे टैक्स के पैसों को जलाने से काम नहीं चलेगा। दो तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ, एज अ लॉयर ऑल्सो आई एम सेइंग, आप या तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और बताइए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास हुआ है, या दूसरा तरीका है कि जनता के कोर्ट में जाइए और जो हमको 330 सीट सरकार को मिली है, 303 सीटें लोकसभा में, आप 304 जीत करके आइए 2024 में और आप कहिए कि देखिए हम हर पाकिस्तानी को अपने यहाँ रखेंगे। तीसरा कोई तरीका नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये जो इनकी, ये जो बात कर रहे हैं, हाँ, एक मिनट, एक लाइन, अच्छा मैं खत्म आई हूँ, सुनिए, एक लास्ट लाइन और कहूंगा। ये स्टूडेंट नाम की पॉलिटिक्स जो की जा रही है ना, जेएनयू में 8000 लोग हैं, 8000 के नेता हमारे कन्हैया जी नहीं है, 80,000 लोग अमेठी में पढ़ते हैं, आपने अमेठी का नाम सुना? देश में 4 यूनिवर्सिटी है जहां पर ये झूठ की खेती, अच्छा, मैं और डर का वातावरण तय किया जा रहा है। देखिए, ये आप अकेले नहीं है, हम गीता भट्ट जी का इंतजार कर रहे हैं, बस उनका इंतजार कर रहे हैं, आप अकेले नहीं है। देखिए, ये जो है डर का वातावरण और ये जो है, ये सब जो है फिजूल की बातें हैं। बात ये है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, ये जो है ये चला चला आ रहा है और ये मुसलमान का इश्यू एक बन गया। ये मुसलमान का इश्यू नहीं है,
मैं ये बार बार इस बात वो भी कह रहे हैं मुसलमान का इशू नहीं है, आप भी कह रहे हैं मुसलमान का इशू नहीं है, मैं खत्म कर रही हूँ बात। नाउ हो क्या रहा है कि इसको मुसलमान का एक नजरिए से देखा जा रहा है, जो गलत बात है। ये संविधान देख रहा है मुसलमान, कौन देख रहा है संविधान की रक्षा और जो मानववादी हमारी जो सोच है उसके खिलाफ है। अभी आप रेफ्यूजी क्राइसिस तो वो कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मैं बता रही हूँ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, गए हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट। मैं ये बता रही हूँ, नहीं 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 बात खत्म करने दीजिए, आपने अपनी बात रखी और मेरी बात खत्म करने दीजिए। बात यह है कि ये जो है गैर कानूनी है। अब आप एक ब्रूट मेजॉरिटी, अगर आप पार्लियामेंट में हैं, संसद में हैं, आप वो ब्रूट मेजॉरिटी को लेके आप एक नया कानून बना रहे हैं जिसका आपके पूरा जो है एक मिनट स्टूडेंट प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया। कैसे गैर कानूनी है कन्हैया जी, मेजॉरिटी कैसे गैर कानूनी है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक वो बनाएंगे लॉ, जेएमआई, JNU, AMU, Delhi University, BHU, MANNU, IIT, Mumbai, Delhi, Madras, इसमें क्या मुसलमान है बताइए? स्टूडेंट छात्र खड़े हैं कि आप जो कर रहे हैं वो एकदम आर्बिट्ररी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के खिलाफ है। नहीं पर हाँ करिए जी, ये जो मेजोरिटी देखिए मैनिफेस्टो में था, मेजोरिटी मिली, मेजॉरिटी के बाद वो पार्लियामेंट में लाया गया, पार्लियामेंट से पास हुआ, आप अग्री नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट जाइए या अगली बार मेजॉरिटी लेकर आइए उसको बदलिए, ये कह रहे हैं वो। इन्होंने दो बात कही है, एक बात इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके बारे में कि देश के किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है या किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो अगर हो जाता तब तो डिबेट करने का जरूरत ही नहीं था, तब तो सब कुछ सॉल्व हो गया होता। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के वक्त कहा था कि नोटबंदी के बाद देश में आतंकवाद की समस्या रुक जाएगी, नक्सलवाद की समस्या रुक जाएगी और कालाधन वापस आ जाएगा। वापस आ गया क्या? पुलवामा की घटना जो है वो नोटबंदी के बाद हुआ है। आए दिन आपको खबर आती रहती है कि देश में नक्सलवादी घटनाएं हो रही हैं, कालाधन वापस नहीं आया। और रही बात बयानबाजी, रही बात बयानबाजी की, तो आप देखिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हमारे देश के नेता झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सही बात है, और अपने हर काम को वो संख्या बल के आधार पर सही साबित करना चाहते हैं। राम जी का ये नाम ले रहे थे, राम जी को एक सिर था, रावण को 10 सिर था, तो क्या रावण सही हो जाएगा और राम गलत हो जाएंगे? संख्या के आधार पर आप हर चीज को सही नहीं साबित कर सकते, क्योंकि मैं बता रहा हूं हाँ। क्योंकि कल को मान लीजिए अगर हम ये ट्रेंड सेट कर देते हैं कि देश गीता भट्ट जी का स्वागत करेंगे, जी आपका स्वागत है, देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ इस देश की सरकार भी नहीं जा सकती है, मेजोरिटी की सरकार भी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती है। और मूल भावना और कोर्ट और में मैं हो मूल सकता भावना है? की बात कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि 303 सीट आया है, 304 सीट ले आइए, तो कल को मान लीजिए कोई पार्टी 304 सीट ले आए और कहे अमित शाह को 5 साल पेड़ पे उल्टा लटकना पड़ेगा, तो आप ये बात मानेंगे? संख्या के आधार पर हर चीज को सही नहीं साबित किया जा सकता है। मूल भावना जो है देखिए संविधान की मूल भावना, आप सही कह रहे हैं नहीं जा सकते, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट में है ना मामला, सुप्रीम कोर्ट में मामला होगा। आप एक छोटी सी बात है, आप कहेंगे फलाना 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 इसमें शामिल है, एक कम्युनिटी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है एक कम्युनिटी एक्सक्लूड की गई है बाकायदा। मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि किसी बड़े नेता का नाम बीच में ले लेना, देखिए नेम ड्रॉपिंग से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम एक कानून की बात कर रहे हैं। अगर कानून में कुछ असंवैधानिक है तो आपके कहने से नहीं होगा, चार लोग डफली बजा करके देश का भाग्य और भविष्य तय नहीं कर सकते, देश की जनता उसके लिए है, हम देश की जनता के बीच में जाते हैं। आप कह रहे 300 सीट आई, आप भी तो चुनाव लड़े थे, हम भी चुनाव लड़े, जनता जो करेगी वो तय होगा, वो आपके कहने से, क्योंकि उसके पीछे कारण है। हांगकांग में क्या हुआ? हांगकांग में क्या हुआ? प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में मैंने बात नहीं की। देखिए जनता के बीच में हम मैनिफेस्टो लेकर के जाते हैं, हम कहते हैं हम एनआरसी लाएंगे और हम लाएंगे, हम यूसीसी लाएंगे, हम लाएंगे, हम जो जनता के बीच में हमने जनता से 15 लाख खाते में नहीं पहुंचाएंगे, ये अभी तो आप ही ने कहा था। देखिए ये 2 करोड़ नौकरी नहीं देंगे, ये अभी तो आप ही ने कहा था। ऐसा है, ऐसा आप ही ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी, ये भी तो आप ही ने कहा था। आप क्या है, आप भी आप ही के मुद्दे हैं। मेरा कहना है हम मैंडेट लेकर के गए थे, जनता ने हमको दिया है। आपका सवाल बीच बीच में, एक मिनट, आपका सवाल क्या है कि वो वादे जो हैं हम वादे पूरा करें? पहले कल तक ये कहते थे अरे बीजेपी की सरकार है, ये आर्टिकल 370 को छू नहीं सकती, राम मंदिर में कुछ हो नहीं सकता, धारा 370 हटेगा नहीं,
सब कुछ होगा और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बस खाली 15 लाख आपके खाते में नहीं आएगा, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिलेगी। आप देखिए ऐसा है ना, मैं क्या करूं, 15 लाख का विषय पर आज कोई डिबेट हम कर नहीं रहे। मैंने ये कहा है द्रोह काल है, राम त्रिमुखा सहाल तुम्हारा हाल मैं लिख के दे रहा हूं, जो देश के द्रोही है उनके कुल में कोई रोने के लिए भी नहीं बचेगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं अत्याचार होगा, आप बीच में चिल्ला रहे, मुझे समय दिया गया, दोनों लोग बीच में बोल रहे, अरे भैया आप क्यों डर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कानून यहां सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नेट पे खोल करके वर्ड बाय वर्ड पढ़िए कि क्या वो एक्ट भारत के किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है या नहीं। एनआरसी से उसका क्या संबंध है? मैं कह रहा हूं एनआरसी से उसका क्या संबंध है? एनआरसी की कोई संबंध नहीं है, अभी केवल सीए की बात चल रही है। नहीं, वो कह रहे हैं आपने एनआरसी बोला था, उसका एनआरसी आगे हमारे मैनिफेस्टो में है, हम लाएंगे, ये मैं कह रहा हूं एनआरसी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कोई संबंध नहीं है, वो कह रहे हैं कोई संबंध नहीं है, वो अलग है, वो अलग है, कैब अलग है, एनआरसी अलग है, दो चीजें अलग अलग है। बंगाल में बंद हो गया है एनआरसी, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, देश की जनता देख रही है, प्लीज ओपन योर लैपटॉप आईपॉड। एनआरसी से सीए का क्या संबंध है? अभी कोई नहीं संबंध है, बाद में होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा? मैं बता रहा हूँ सवाल पूछा, जवाब दे, इन्हीं को बोलने दीजिए, इन्हीं को बोलने दीजिए भाई, इन्हीं को बोलिए। अभी मैं ये तय हुआ है कि एक कट ऑफ डेट के बाद की तो कोई बात है नहीं, उससे पहले जो भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से सताए और जो इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं, तीन एनआरसी के साथ क्या संबंध है? जोड़ रहा हूं ना, आपको समझ में नहीं आएगा ना, लीगल बात है। अच्छा अच्छा ठीक, मैं क्या कह रहा हूं कि पहले इनको तय किया जाएगा, इनको कौन को, अरे जो सीएबी में लोग हैं, पहले इनको नाम बोलिए, हिंदू, अच्छा, सिख और पारसी, जैन, क्रिश्चियन, मुसलमान इंसान नहीं है। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इस्लामिक स्टेट में कैसे? एनआरसी से क्या संबंध? रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इस्लामिक स्टेट में कैसे? एनआरसी से क्या संबंध? एनआरसी से क्या संबंध? अहमदिया कम्युनिटी कहां जाएंगे? एनआरसी पे बोलने दीजिए, क्या लोग कहां जाएंगे? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है, तमिल कौन है, मुसलमान है, हिंदू, बलोची कौन है, गोरखा कौन है? मुझे गीता जी, मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, इन्होंने कहा एनआरसी से क्या संबंध है, देश में जो भी लोग हैं, जो विदेशी हैं, घुसपैठिए हैं, बिल्कुल बोलना जरूरी है, आप बहुत बोल करके बेगूसराय गए थे और बहुत सारे लोगों को भी लेके आए थे, जनता ने आपको रिजेक्ट किया है, चुनाव अंबेडकर हार गए थे, ये पता है कि नहीं आपको? चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, क्या कह रहा हूँ, जमानत जब्त हो गया, आपने देश के विरोध में काम किया है, देश द्रोह का जो काम था, इसलिए लोगों की जनता ने आप पे चार्ज है, जो आपकी पार्टी आपको बचा करके रखी हुई है, नहीं तो आज आप जेल में होते हैं, अगर आम आदमी पार्टी ने कंसेंट दे दिया होगा जेल में होते। एक जवाब सुनिए 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 राजीव जी, एक मिनट राजीव जी, ये आपके देशद्रोह पे बार बार बात आती है, एक जवाब, देशद्रोह का आरोप है, एक सवाल, एक लाइन कंप्लीट नहीं करना, नहीं नहीं ये बोला जाओ, कोई नारेबाजी नहीं लगाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम एनआरसी लाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है, इसीलिए सीए लाया गया है। सुनिए ना, और जो लोग भी देश में घुसपैठिए हैं उनको बाहर भी करेंगे एनआरसी से। पहले रजिस्टर बनेगा तभी तो डिक्लेयर होगा कि कौन देश। आसाम में 19 लाख लोग एनआरसी में आए, 15 लाख हिंदू हैं, बताइए इसका क्या जवाब है? 19 लाख छठे, फिर झूठ बोले, कह रहे 19 लाख लोग एनआरसी में आए, अरे सारे लोग एनआरसी में आए, 19 लाख छट गए, छट गए, बिल्कुल। तो आप उल्टा पुल्टा बात कर रहे, देखो यहाँ, अरे देहाती आदमी है, थोड़ा बुद्धि कम है, नाटक करते हैं। मैं आपको कहा नहीं सुनाता हूँ, मैं भी बिहार से, एक मिनट, मैं भी बिहार से ही हूँ, ये बिहार में लालू यादव को कॉपी करने की एक नौटंकी राजनीति में थी, उसके शिकार है। अच्छा अच्छा, आज आप आपकी लाइन मेरे ऊपर एक आरोप लगा है, जवाब दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल, हर मंच पे मुझसे ये कहा जाता है कि आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप है, हर मंच पे हम इसका जवाब देते हैं, अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ और कहना चाहिए। देखिए, इसका फैसला कोर्ट में होगा और कोर्ट से भी मुझे लगता है कि मोदी जी पे हमको भरोसा रखना चाहिए, जब तक मोदी जी हैं इस देश में किसी भी आरोपी को कुछ नहीं होगा, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, सदाचारी हो जाएंगे, जैसे अजीत पवार हो गया, जैसे मुकुल राय हो गया। आप ऐलान करें कि आप करने वाले हैं क्या? आप मतलब आप देशद्रोहियों को बीजेपी ज्वाइन करेंगे? आप कैसे राष्ट्रवादी रहेंगे बताइए? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, अपने आप को देशद्रोही का मैं इसका जवाब कोर्ट में दूंगा, मैं यहाँ उसका जरूरी नहीं समझता हूँ। देखिए, एक बात समझिए, एनआरसी को लेकर के और सीए को लेकर के एक बात समझना है,
ये मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये हर उस गरीब इंसान का है जिसके पास सही तरीके का कागज नहीं होता है। इस देश के पीएफ अकाउंट में 40,000 करोड़ रुपया जमा है जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। क्लेम इसलिए नहीं कर रहा है कि आप देखेंगे कि आपके परिवार में सड़क पर उतर कर बोलने दीजिए मैडम है, पैर जोड़ते हैं आपका, बोलने दीजिए। जलाया गया आप लोगों के खून से। सुनिए एक एबीवीपी छात्र में ये एलिगेशन लगा हुआ है। एक बात मुझे बस बोलने दीजिए, जामिया से जो 10 लोग जो अरेस्ट हुए उसमें से कोई भी छात्र नहीं था। एक जवाब, एक एलिगेशन लगाएंगे कोई, ये कुछ एलिगेशन लगाएंगे, मैं कुछ कहूंगी, अरे एक लोग को जामिया का एक भी छात्र नहीं था, जो 10 युवा अरेस्ट हुए वीडियो डॉक्यूमेंटेशन भी छात्र जामिया का नहीं था। जी हां छात्र आप कह नहीं रहे, लेकिन किशोर जी हां मैं कुछ बोल लूं, मैं तो अभी बहुत बिल्कुल समय से डिस्कशन, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, उसके बाद आप बोलिए। बहुत देर से सुन रही हूं, थोड़ा सा 2 मिनट का समय अगर आप मुझे दें। ठीक है आप ही बोलिए। मैं भी बोल लूं कि बहुत सारी जो बातें शायद यहां पहले हुई उनको उस परिपेक्ष में आगे बढ़ाते हुए कि आप ये बताइए कि जब देश के विभाजन में 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर की से ज्यादा की जमीन को अलग करके देश बनाए गए तो किस आधार पे बनाए गए? इसी आधार पे बनाए गए ना कि हिंदू महासभा और जिन्ना ने सेकुलर नहीं रहना चाहते, हिंदू महासभा ने कहा कि हम सेकुलर नहीं रहना चाहते, 1947 में नहीं जाते नहीं, क्योंकि इसका मैं 1947 मैं 47 को पलट रहा हूं, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, बार बार जो ये यहां एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और है, सांप्रदायिक बात यहां पे कर रहे हैं और यही जामिया के छात्रों के साथ यही हुआ, एक सांप्रदायिक जो उनके ऊपर ताकतों उनके ऊपर हावी हो गई और उनके नारों में दिखाई दे रहा है कि जैसे वो जिन्ना की विरासत को अभी तक धो रहे थे उनके नारों में दिखाई दे रहा है। मेरा एक सवाल, आप 47 पे जा रही है, मैं उसको पलट रहा हूं, है और ये मैं 47 एक सेकंड जीता जी, मेरा राजीव जी आपसे सवाल है, जिनका परिणाम सड़कों पे दिल्ली में और जगह जगह दिखाई दे रहा है और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, 47 पे आप जा रहे हैं, मैं 74 पे जा रहा हूं, तब भी यूनिवर्सिटियों में लोग निकले थे जी हाँ। तब भी हिंसा हुई थी, तब भी यही कहा था सरकार ने कि ये बाहर की साजिश है, वो नवनिर्माण हुआ, वो जेपी मूवमेंट हुआ, वो निकला, तब भी यही आरोप लगे थे, तब आप उस तरफ थे, वो जो हिंसा हुई थी, वो जो यूनिवर्सिटीज में निकले थे, तब जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी मांगों के लिए निकले थे। अब मेरा सवाल इधर है आपसे, क्या नहीं देखिए जेपी वो उनकी अपनी मांगे थी, उनके अपने रोजगार की मांगे थी, यहां जो निकले इसमें जामिया के स्टूडेंट्स को या किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या नुकसान हो रहा है ये बताइए आप मुझे। यहां सड़कों पे उतर कर जो बसें जलाई जा रही हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, वो किस लिए हो रहा है? क्या वो किसी कोई राजनीतिक में उत्तर देता नहीं? सबसे पहले है क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है? एक मिनट, एक जो बसें जलाई गई हैं, अभी 10 लोग जो हैं मिसक्रिएंट्स अरेस्ट हुए हैं, अभी जो है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी ये कौन थे ये लोग 10 जन, क्योंकि उनमें से एक भी जो है छात्र नहीं था जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी बाहर आ गया, जो एलिगेशन लगाया गया है कि वो जामिया जो बड़े बड़े नेता हैं ये जो बड़े बड़े ये बिना छात्र नेता हैं वो आके शांति की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर किसी ने भड़काया भी है एक एक करके बोले तो सुनाई दे जाएगा, वो ये गलत है, अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें। अच्छा सायरा जी गीता जी ने कहा है कि गलत हुआ है, एक एक करके बात करेंगे तो सुना देगा। मैं कन्हैया जी मेरा ये सवाल था कि अब आप बोलिए, एक बीच में कोई नहीं बोलेंगे फिर हम बोलेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ करें जी, मैं ये कह रहा था प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इस बिल से क्या संबंध है? वो तो जब अब तक जो आंदोलन हुए उनमें उनका सीधा संबंध रहा है, चाहे वो रिजर्वेशन वाला आंदोलन था, चाहे वो 74 वाला आंदोलन था, इस वाले कानून से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्या संबंध है? देखिये यूनिवर्सिटी भी इसी समाज में है, यूनिवर्सिटी भी इसी देश में है, यूनिवर्सिटी भी इस देश के संविधान से चलता है, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस देश के नागरिक हैं। अगर नागरिक अधिकारों के ऊपर हमला होगा, अगर देश के संविधान के ऊपर हमला होगा, तो स्वाभाविक तौर पे एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते ये हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान की रक्षा करें। अब सवाल ये है कि एनआरसी और सीए में प्रॉब्लम क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सीए वही तो वो कह रहे हैं कि समझिए तो सही पहले, सीए एनआरसी को लागू करने के लिए लाया गया है,
एनआरसी में लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। वो बात समझ ली। जो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि उसमें डॉक्यूमेंट सिर्फ मुसलमान का चेक नहीं किया जाएगा, देश के सभी नागरिकों का चेक किया जाएगा। और देश में डॉक्यूमेंट की स्थिति यह है कि आप किसी भी परिवार में चले जाइए, दो भाइयों के डॉक्यूमेंट में पिताजी के स्पेलिंग का नाम अलग अलग होता है। स्टूडेंट्स का इशू लोगों का, ये पूरे समाज का इशू है। और स्टूडेंट जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, आप देख लीजिए देश में जब भी कोई परिस्थिति रही है, राजनीतिक स्थिति रही है, आपने सही उदाहरण दिया है इमरजेंसी का या किसी भी दौर का, पर उनकी अपनी मांग थी। देश की सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे समाज प्रभावित होता है तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं और छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग ही आज इस देश को चला रहे हैं। एबीवीपी भी छात्र आंदोलन से ही निकला था। सब लोग आज देख लीजिए कि आप राज्यों में जो नेता हैं। मेरा सवाल ये था कि वो आंदोलन नवनिर्माण का कब शुरू हुआ? कैंटीन के फीस से शुरू हुआ था, वो स्टूडेंट्स का मुद्दा था, उसके बाद वो आगे बढ़ा। रिजर्वेशन का मुद्दा स्टूडेंट्स का मुद्दा था, ये मुद्दा स्टूडेंट्स का डायरेक्टली नहीं है। मैं स्टूडेंट के घर वाले भी तो लाइन में लगेंगे जी, स्टूडेंट को भी तो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट की स्थिति क्या है इसको समझिए सर। डॉक्यूमेंट की स्थिति यह है कि इस देश के जो सबसे गरीब लोग हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता है। आप देख लीजिए हर तीसरा चौथा आदमी आपको मिलेगा जिसके वोटर आईडी में उसका नाम कुछ और लिखा हुआ, फोटो किसी और का लगा हुआ है। अच्छा, आप देखिए कि देश के भीतर मैं एक कॉन्क्रीट एग्जांपल दे रहा हूं, 40,000 करोड़ रुपया पीएफ अकाउंट में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है क्योंकि जो लोग हैं उसके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम है। आधार कार्ड में कुछ और नाम रहता है, उसका स्पेलिंग कुछ और होता है, वोटर आईडी में कुछ और रहता है। तो डॉक्यूमेंट के नाम पर एक बार फिर ये देश की जनता को लाइन में खड़ा करना चाहते हैं ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था जो आईसीयू में पहुंच गई है उस मुद्दा को गुमराह किया जा सके, उस मुद्दे को, असली मुद्दों को गुमराह करने के लिए देश को मारने की साजिश की जा रही है। ठीक करने की शुरुआत तो करनी होगी ना, कि अगर कुछ चीज गलत है तो उसको ठीक करें ही ना। अगर इसी चतरे से क्या कोई भी सरकार को क्या इस हिसाब से चलना चाहिए? अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं भी है तो आज क्या ये एक करने की आवश्यकता नहीं है? हाँ, नहीं, पर डॉक्यूमेंट का भी विषय नहीं है, वो एक मुद्दा उठा रहे हैं। डॉक्यूमेंट की वजह से लोग फंस जाएंगे एनआरसी में, इसलिए स्टूडेंट्स निकल आए यूनिवर्सिटी में, मैं उसको समझना चाह रहा हूँ। पहले स्टूडेंट में लोगों का प्रशंसा निकालिए कि ये कौन लोग हैं, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। सुनिए, देश में जो लोग हैं, एक मिनट, कौन लोग हैं ये तो बताइए ना, डिसाइड करेंगे। मैं बताइए कौन लोग, कौन लोग हैं बताइए। देश में एनआरसी, उस पर आ रहा हूँ मैं, सब वीडियो निकाल करके दिखा दूंगा कि कौन लोग हैं मुर्शिदाबाद में, कौन लोग ट्रेन जला रहे हैं, सीलमपुर में पुलिस वाले को कौन थप्पड़ मार रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, तमिलनाडु में, एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एनआरसी जो इस देश में लागू हुआ है ना, वो न तो मोदी जी के कहने से लागू हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है। अरे आसाम की बात में करो, सुन लो यार, आपको नहीं पता है विरोध कर रहे हैं। देश में एनआरसी केवल एक ही जगह लागू हुई है, बीच में चिल्लाइएगा देखिए, आप दोनों बोल रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। देश में एनआरसी केवल एक स्टेट में लागू हुआ है, वो असम है, वो जानते हैं, न किसी सरकार ने लागू नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस तरुण गोगोई साहब ने एक टाइम लिमिट दिया कि लागू करो, क्यों? 1985 में अकॉर्ड हुआ था और तब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कहा और कि हम का उस अकॉर्ड हो गया। रुक जाओ यार, तुम ये बीच में बहुत बोल रहे हो यार, उस जवाब ऐसा सवाल, मैं एक बात कंप्लीट नहीं कर रहा, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 16 मिनट बचा हुआ है, कुछ बोलने के लिए यहाँ आए हैं, भाषण देने के लिए नहीं आए हैं आपके जैसे डफली बजाने के लिए। मेरी बात सुनिए, मेरा क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत लोग गए सुप्रीम कोर्ट और कहा इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट वैसे मोदी जी ढोल बजाते हैं अलग अलग देश में जाकर के। हमने कहा This is very sad. You are taking name. आपके मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, मैं इशू पे बात कर रहा हूँ, आप मोदी जी अमित शाह का नाम ले रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने आपके किसी नेता का नाम लिया क्या? आप डफली का नाम ले रहे हैं, बताइए। सुन लीजिए सर, ना ना और एक्साइट नहीं होता मैं। अरे हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट नहीं, मैं मेरी सवाल एक लाइन पूरा नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। क्या हुआ किशोर जी, कि बहुत लोग देश में गए सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया, उसके बाद कन्हैया जी छोड़ दिए, उनको रिएक्ट मत करिए, इसके बाद छोड़ दीजिए। अरे सर बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। तो मेरा क्या कहना है, उसके बाद असम में लागू हुआ, असम में जब ये प्रोसेस हो सकता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता? क्या असम में गरीबी कम है? गरीबी तो वहां बहुत प्रदेशों से ज्यादा है,
तो इसीलिए इस प्रकार की बात करना कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप इसकी चिंता मत करिए, मेरा नाम भी गलत है तो मैं उसको ठीक करा सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आई कि यह छात्र आंदोलन है कि नहीं, यह मेरा लास्ट लाइन है, 30 सेकंड लूंगा। क्या है, पिछले 6 साल से इस देश में बहुत सारे लोग मोदी जी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फेल होते चले गए हर बात पे, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, दिस दैट। जब उसके बाद भारत की सरकार दोबारा आई, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया, फिर भी कुछ ना हो बन के दिया, बहुत कोशिश कर ली, देश की जनता ने कहा बिल्कुल सही, जो भी सरकार डिसीजन ले ली है उसके समर्थन में आई, तो अब इनको इस बार लगा कि हिंदू मुस्लिम दंगा कराओ। और मुर्शिदाबाद में आप जाकर के देखिए कि कौन लोग तोड़ रहे हैं, सीलमपुर में कौन लोग कैसी कैप पहने हुए, मेरे जैसे या किसी और जैसे, आप देख लेंगे कि इस देश में देश को आग लगाने की कोशिश वो प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं जिनका सेंटर इंडिया में नहीं है, या तो वो अर्बन नक्सल है जिनका समर्थन कर रहे हैं कि इनको आग लगाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर 10 लोग पकड़े गए जो बांग्लादेशी कहने जा रहे हैं जामिया में, जामिया के स्टूडेंट उनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे, उनको क्यों लेके गए अपने हॉस्टल में, क्यों लेके गए उनको पुस्तकालय में जहां पर वो आतंकवादी जो बस चला करके गए थे। और एक बात और लास्ट में बता देता हूं कि जब लगता है अगली बार समय नहीं मिलेगा, मैंने आपको बार बार बोल देता हूं, जो इस मैनिफेस्टो को ठीक से पढ़िए, हम मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच जाएंगे, जनता से प्रतिसाद लेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, देश हित में जरूरी है, और जनता कहेगी नहीं तो नहीं करेंगे, और जनता कहेगी करो तो करेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं एक जवाब दे दूं, अच्छा पहले आप बोल लीजिए। मैं वो एक बात देखिए ना, आप कह रही हैं कि वो स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन हाईजैक अगर हो रहा है, अगर गुंडे हैं पकड़िए, क्राइम ब्रांच का ये जॉब है कि कौन गुंडे हैं बाहर से जो आए हैं और इसमें शामिल हो गए हैं, चुप रहे, जिसके भी एजेंट हैं पकड़िए, ये क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पकड़ें कि वो जो 10 लोग जो गुंडे जो इसमें शामिल हो गए मूवमेंट में, आप देख लीजिए इनिशियली जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कोई भी बाहर का आदमी नहीं था शामिल, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, माहौल भी पीसफुल था, और ये एक डेमोक्रेटिक राइट है, ये एक मौलिक मौलिक अधिकार है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, वी डिड नॉट डिस्टर्ब यू, वी डिड नॉट डिस्टर्ब यू, विश्वविद्यालयों में आंदोलन लगा दी और जामिया वाले सब जब कह रहे थे कि हम लोग भाई भाई आए और उन्होंने कहा कि लो आग लगा देते हैं, हम अपने ही सरकार के खिलाफ बस जला देते हैं। देखिए ये अर्बन नक्सल और जिहादी सोच वालों को सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, देश की जनता में विश्वास नहीं है, आप जाइए जनता के बीच में प्रदर्शन कीजिए। करीब 800 विश्वविद्यालय जो है भारत में है इस समय, उनमें से लोग कह रहे हैं कि बहुत सारों में कह रहे 18 में 20 में क्या हुआ, आईआईटी मद्रास में 8000 बच्चा पढ़ता है, 50 जो कि दशमलव में आप उसको दशमलव पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन शांतिपूर्ण करने का हक है उनको, ठीक है ना। कल आज अखबार अभी न्यूज आई है कि हार्वर्ड से है, हार्वर्ड में कितना बच्चा पढ़ता है, 22-23 हजार बच्चा, कितने लोगों ने साइन करके दिया है, 100 में से 100 से भी कम लोगों ने। तो ये एक आप ये देखिए, अगर आप प्रतिशत अगर लगाने कोशिश करें, एक बहुत ही छोटी सी संख्या, लेकिन वो जो संख्या है उनके तार जहां जहां जुड़े हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जगह जुड़े हुए हैं, बहुत सारे तथाकथित एकेडमिशियंस बाहर के विश्वविद्यालयों से अभी कुछ दिन पहले पधार चुके हैं, और एक बड़े सुनियोजित तरीके से एक ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो चाहे वो जामिया हो, अरे क्या है ना, इलेक्शन की कैंपेन ऑलरेडी जारी हो चुकी है और दिल्ली का बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन एक बात पूरा बवाल जो है वो हो रहा है, कहने के लिए सारे जो बच्चे 18 वर्ष से ऊपर के हैं क्या वो खुद नहीं पढ़ बवाल है, मुर्शिदाबाद में कौन सा चुनाव है, किसने बवाल कराया, अच्छा बोले बीजेपी वाले लोग स्कल्प कैप पहन करके ट्रेन जला रहे थे, क्या मुर्शिदाबाद में, आप बताइए ना, वो बीजेपी वाले थे कि आईबीपीपी वाले थे, इस पर आप जवाब नहीं दे रहे, तब से मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, छोटा सा सवाल पूछो जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे, बहुत गलत बात है, किसी की ड्रेस में, ये आप सांप्रदायिकता का जो क्षेत्र है ये बहुत ही डेंजरस है। हाँ, अगले सेशन के लिए नकवी जी आ चुके हैं तो इसलिए करेंगे, आप लोगों के मुद्दे पे लड़िए इलेक्शन, अच्छा जी का जवाब, लोगों को आप बंटवारा मत करिए, लोगों के दिलों में जहर मत घोलिए। अच्छा होता क्या है, कई बार ना सब होने का नुकसान हो जाता है। खैर देखिए, 3 बात ये महत्वपूर्ण बोल रहे हैं, पहला ये कह रहे हैं कि हमको मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी तो इंदिरा जी को भी था, मतलब आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी वो लगाई तो सही थी क्योंकि उनके पास मेजोरिटी था,
इससे पहले कांग्रेस को मेजोरिटी थी, तो कांग्रेस ने जो भी किया वो सही था क्योंकि उनके पास मेजोरिटी सही की बात नहीं, वो कह रहे हैं कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं ना, दूसरी कोर्ट में इंदिरा जी को भी चैलेंज किया गया। बोलने दीजिए सर, बस दूसरी बात, अच्छा अच्छा, अगर ये सरकार गलत कर रही है और जनता इसके साथ नहीं है तो सरकार को नुकसान हो जाएगा, होगा मैं कह रहा हूँ, होगा चिंता मत, आपने 2019 में तो बहुत कूद लिए, अच्छा बहुत कूद लिए जाकर के, सारे इंडस्ट्री बड़े धैर्य से देख रही है, कूदने से देश की जनता बड़े धैर्य से देख रही है कि कौन देश की जनता से ज्यादा समझदार है। और वो अच्छा एक आर्थिक व्यवस्था देख लीजिए, देश की आर्थिक व्यवस्था देख लीजिए, आप लोगों को आप देश जी बस लास्ट दो तीन मिनट को गुमराह करने का ये प्रयत्न है, और नहीं हम रैप अप कर लेते हैं, गीता जी सारे जी रैप अप कर लेते हैं, कन्हैया जी आप अपनी बात कंप्लीट करें, हम रैप अप कर लेते हैं, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सहयोग दे रही है, आपके आपके अधिकारों पे नागरिक अधिकारों का क्या हनन हो रहा है इस एक्ट के आने से, ये बताइए आप, अब मैं बता रहा हूं असली बात करिए ना, गीता जी एक मिनट बस, आप दुनिया भर की बात करिए, एक बात बताइए आपके नागरिक, हम रैप अप कर लेते हैं गीता जी, हाँ अच्छा अब मैं बोल देता हूँ, पहला तो मेजोरिटी वाला तर्क है, दूसरा तर्क ये है कि वायलेंस हो रहा है, अभी पूर्णिया में हमने लाखों लोगों की रैली की, कोई वायलेंस नहीं हुआ, कहीं अगर वायलेंस हुआ है उसका हमको समर्थन नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, जो धर्म को इसमें लाया जा रहा है, मेरा नाम कन्हैया है, धर्म को बदनाम मत कीजिए, ये ऐसा धर्म है, ये ऐसा देश है जो कहता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये ऐसा देश है, धर्म को बदनाम मत कीजिए, धर्म का जहां तक इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के लोगों के जो बुनियादी कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, आप कर रहे हैं और कौन करेगा, हर विषय में धर्म का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, मैं बताऊं एक लाइन बोलना चाहता हूं, धर्म के नाम पे लोगों को बताने पे कौन लेके आए, बताइए एक मिनट चलिए एक लाइन से रैप अप करते हैं, इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल इस देश के हजारों शियाओं का कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, यहाँ पर अभी यजदियों का कत्लेआम हो रहा है, एक कम्युनिस्ट पार्टी का ट्वीट दिखा दीजिए कि कहीं आपको बताए वो समर्थन करते हैं उस जिहादी आतंकवाद का जो शियाओं का और यजदियों का और क्रिश्चियनों का और हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं आईएसआईएस के द्वारा, ये झूठे लोग हैं, इनका काम है, समय खत्म होता हुआ हमारा, राजीव जी झूठ बोलो, इनके बाबूजी भी वही लगाते थे लाल झंडा लेकर लगाते हैं, इनके पोते भी वही लगाएंगे, आजादी आजादी, अरे आजादी मिल गई 47 में अंबेडकर जी ने संविधान बना दिया है, और हम संविधान के हिसाब से जाने की बार बार झूठ बोलेंगे, संविधान खतरे में, कौन सा पार्ट संविधान खतरे में ये तो बता दीजिए, चलिए कौन सा, और सुप्रीम कोर्ट जाइए, शुक्रिया राजीव जी, शुक्रिया राजीव जी, शुक्रिया गीता जी, शुक्रिया सायरा जी, एक लाइन बोल दें, एक लाइन सर, सिर्फ एक लाइन बोल दें, देखिए ये देश सबका, सबको दीजिएगा प्लीज एक लाइन, अच्छा आप ही से शुरू कर लीजिए, उन्हीं को बोलने, चलिए एक लाइन जल्दी जल्दी, देखिए मैं ये कहूंगी, देखिए 21वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बहुत सारे अप्रत्याशित ऐतिहासिक सुधार की पहल की गई है, जिनकी वजह से ये देश बड़े लंबे समय तक खंडित रहा, और ये जो एक्ट आया ये भी उन्हीं प्रयासों में से एक है, इसका स्वागत होना चाहिए, और जो इस पे धर्म की राजनीति लोग कर रहे हैं, मैं समझ गया, पॉइंट टेकन, राजीव जी एक लाइन, अच्छा चलिए हाँ, नहीं ऐसे कीजिएगा, खैर एक लाइन, देखिए एक बात तो ये, बार बार पूरे डिबेट में इन्होंने मुझे ये बात कहकर डिमोरलाइज करने की कोशिश की कि आप चुनाव हार गए, गांधी चुनाव नहीं लड़े, अंबेडकर चुनाव हार गए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव लड़े थे उनका जमानत जब्त हो गया, फिर हम डाइवर्ट हो रहे हैं, फिर हम डाइवर्ट, रही बात चुनाव हारने की, देखिए साहब चुनाव हारे हैं, ईमान नहीं हारे हैं, ईमान नहीं बेचे हैं, ईमान बेच करके भाजपा में लोग शामिल होकर के चुनाव जीत रहे हैं, ये काम नहीं करना है, रही बात एनआरसी की, एनआरसी और सीएबी एक देश विरोधी कानून है, इसीलिए इस देश से जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उन तमाम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये एक देश विरोधी कानून, चलिए ये जो कैब है सीए है, मैं बता रही हूँ ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, ये मानववादी, आपने बात की पूरे देश के लोगों को पढ़ना चाहिए, और इस देश के किसी भी व्यक्ति पर सीएबी का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ये नागरिकता देने का अधिकार है, नागरिकता छीनने का एक्ट नहीं है, प्लीज पढ़िए, और जो ये फर्जी लोग जो फैला रहे इस एक्ट के खिलाफ उसके विरोध में आवाज उठाइए, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका गीता जी, राजीव जी, कन्हैया जी और